नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ नगर के करतालपुर बाईपास पर स्थित सेस ट्रैक्टर शोरूम पर ग्राहक मिलन कार्यक्रम का आयोजन कर किसानों को कम लागत पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराने व इसे अधिक से अधिक लाभ कमाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं श्रेष्ठ ट्रैक्टर के संचालक ने कहा कि जिन किसानों की पूंजी कम है वह भी ट्रैक्टर के मालिक बन सकते हैं। नगर के करतारपुर बाईपास के सराय मंदराज स्थित महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ट्रैक्टर डिवीजन के श्रेष्ठ ट्रैक्टर के शोरूम पर ग्राहक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में वाराणसी क्षेत्र के डिप्टी जनरल मैनेजर गोपाल कृष्ण एवं क्षेत्रीय प्रबंध नीरज तिवारी की उपस्थिति में किसानों से संवाद किया गया और उनकी समस्याओं को सुना गया। किसानों की समस्याओं का उचित निवारण के लिए सलाह भी दी गई। किसानों की समस्याओं को सुना गया तथा उनको उचित निवारण हेतु सलाह दी गई। अधिकारियों ने किसानों को कम प्रदूषण हेतु CRDI ट्रैक्टर के बारे में जानकारी दी और कहा कि कंपनी जल्द ही इसे बाजार में उतारेगी। इस अवसर पर किसानों को पुरस्कार देकर कंपनी के अधिकारियों ने सम्मानित किया। इस अवसर पर श्रेष्ठ ट्रैक्टर के प्रोपराइटर श्रेष्ठ जायसवाल ने बताया कि जिन किसानों के पास कम पूंजी है वह भी ट्रैक्टर के मालिक बन सकते हैं, उनका भी सपना साकार हो सकता है। वह सही देखरेख व ईमानदारी पूर्वक काम कर गए। इस अवसर पर 2 ट्रैक्टर डिलीवरी की गई और 4 ट्रैक्टर की बुकिंग भी की गई। आज हमारे एजेंसी पे सारे आजमगढ़ जिले के जो मानिंद किसान है और जो अच्छी किसानी करते हैं उन लोगों को बुलाया गया था। उनसे हम लोगों ने कृषि से संबंधित सारी बातें की और जो नई नई तकनीक आ रही है कृषि में उसकी जानकारी दी गई और सरकार की जो योजनाएं हैं ट्रैक्टर्स को लेकर के, जो आगे CRDI और ये सब ट्रैक्टर्स आने वाले हैं उनके प्रति उसको जागरूक किया गया। महिंद्रा किसानों की बेहतरी के लिए क्या नया कर रही है? महिंद्रा शुरू से ही किसानों के लिए कुछ ना कुछ नया करती आई है। सबसे पहले DI इंजन लॉन्च करना हो या कोई भी नई तकनीक लाना हो तो महिंद्रा ही की है और इस समय सबसे पहले CRDI इंजन महिंद्रा ने ही बनाया है, जो आगे आने वाले समय में हम लोग को CRDI मिलने वाला है। किसानों की आय दुगनी हो इसमें महिंद्रा का क्या योगदान होगा? महिंद्रा जो अभी यहाँ पे पद्धति चली आ रही थी किसानी की, जिसमें किसान कृषि में कुछ ज़्यादा ही खर्च कर रहे थे जैसे यूरिया या डाई में, तो उसको कैसे हम लोग खर्चे को कैसे आधा करके प्रोडक्शन हम ज़्यादा ले सकते हैं, इस पर हम लोग कृषि ही के माध्यम से काम कर रहे हैं। कृषि यंत्रीकरण के लिए महिंद्रा क्या कर रही है? कृषि यंत्रीकरण में महिंद्रा ने एक अच्छा सहयोग दिया है कि महिंद्रा में बहुत कम पैसे लगा करके आप फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है महिंद्रा फाइनेंस के द्वारा। अगर किसानों के पास पैसे बहुत कम 100% फाइनेंस तक हो जाता है यंत्रों को, अगर वो कोई भी यंत्र लेना चाहते हैं उनके सारे फाइनेंस अवेलेबल है। आजमगढ़ महिंद्रा को किस रूप में देखते हैं? आजमगढ़ में महिंद्रा किसान के लिए एक वरदान के रूप में हम देखते हैं और किसान को कोई भी कमी हो कोई भी समस्या हो उस पर हम लोग काम करते हैं। तो लोगों को सम्मानित भी किया गया यहाँ पे, उन किसानों को भी, काफ़ी किसानों को सम्मानित किया गया जो कृषि क्षेत्र में कुछ नया किए हुए हैं। जैसे बहुत से ऐसे किसान हैं जो नई नई तकनीक से काम कर रहे हैं, उनको हम लोगों ने सम्मानित किया। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।